Hello, my dear students of class 11. Now today I am going to discuss the basic concept of work done. It means today we will discuss the work done due to constant force and work done due to variable force. And also we discuss the sum unit related to our work done. So if you are new to our JBS channel, then please go through the channel and also subscribe our channel. Press the bell icon so that you will get the future notification. So let's discuss it. I am taking one example to convince you that we can do the work by two method. Suppose that I am having a spring. And here the mass M is attached to this spring. What happens when we just displace this mass? It means जब हम मास को नीचे की तरफ फोर्स लगा के पुल करेंगे तो क्या होगा? इसका रिजल्ट ये देखने को मिलेगा आपको कि जब भी हम मास को डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इस स्प्रिंग के जो रिंग है वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उनके बीच में सेपरेशन कम है, तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये सेपरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? ये आप देखेंगे भी कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, ठीक है? तो यहां मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी फोर्स आपने लगाया वो एफ एक्सटर्नल यहाँ पे अप्लाई किया और इस एफ एक्सटर्नल का क्या रिजल्ट हुआ कि ये जो इसकी मेन पोजिशन थी उससे ये इतना शिफ्ट कर गया। क्लियर? अब बात ये आती है, क्योंकि ये फोर्स तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, अब अगर हम बात करें तो इस स्प्रिंग के अंदर क्या लगेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या चाहेगा, रिस्टोर करना चाहेगा, मतलब है ये वापस क्या करना चाहेगा, अपनी इस पोजीशन पे जाना चाहेगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इवन इसके अंदर क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? So, restoring force लगने की वजह से ये जो स्प्रिंग होगा वो आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये restoring force भी तो वर्क डन कर सकता है, ठीक है? मतलब है कि ये फोर्स भी तो वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो भी तो डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहां पे वर्क डन दो तरीके से हो सकता है, एक तो restoring force की हेल्प से हो सकता है और एक हमारा किसकी हेल्प से हो सकता है, एक हमारा हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से। मतलब दो फोर्स रिस्पांसिबल है, द टू फोर्सेस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द वर्क डन। बट इन रियल लाइफ व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम वर्क, देखिए वर्क को हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके पास एक ब्लॉक है और वो एक सरफेस पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे प्लेस्ड है और ये सरफेस थोड़ा सा आपको दिखेगा किसकी, अपनी खुद की एक लेंथ होगी, इट मींस कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी और हम इस पे एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है? एक फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो इस ब्लॉक में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मान लिया मैंने एस है, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना मान लिया, एस डिस्प्लेसमेंट मान लिया। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन एक्सप्लेन करता है कि वर्क डन इसमें होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क डन होगा। बात समझना मेरी, कि मैं कह रहा हूं वर्क इज सेट टू बी डन, मैं यहां लिख रहा हूं वर्क इज सेट टू बी डन इफ There is displacement and that displacement should be in the direction of the force. That displacement should be in the direction of force. That is, if there is displacement in the direction of force. We can say that work is set to be done if there is displacement in the direction of force. मतलब जिधर हम force लगाएं उसके along उसमें क्या हो, displacement हो।
तो हम कहेंगे कि यहां पे वर्क हो रहा है, और उस वर्क का फार्मूला क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और ये एस क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम मीटर बोलेंगे। सो वर्क डन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसी न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं। तो ये इसकी एसआई यूनिट है, न्यूटन मीटर क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। वर्क डन की एसआई यूनिट जूल भी बोल सकते हो, ये क्या है, एसआई यूनिट है। और इसका एक और यूनिट होगा जो कि आर्ग में एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है, किसमें एक्सप्रेस किया जाएगा, आर्ग में। और आर्ग किसकी यूनिट है, सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस का मतलब एमकेएस सिस्टम की यूनिट, एसआई सिस्टम, एसआई क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए वर्क डन को हम जो है डिफाइन करने जा रहे हैं एक अनदर मेथड से, उसको भी समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक मान लो यहां पे ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे आपने फोर्स इस तरह से लगाया, ध्यान से सुनिएगा, ये फोर्स इस तरह से लगाया आपने, तो फोर्स आपने क्या किया, एक थीटा एंगल पे लगाया, ठीक है, किसने एंगल पे लगाया, थीटा एंगल पे लगाया। तो थीटा एंगल पे जब भी फोर्स लगाओगे तो क्या होगा कि भाई ब्लॉक क्या करेगा, वो देखो फोर्स ऐसा तुम लगा रहे हो तो ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, ये ब्लॉक का मूवमेंट किधर होगा, आगे की तरफ होगा, ऐसा आपने फील भी किया है, ठीक है। कोई भी बुक पे फोर्स लगाओ तो क्या होगा, वो आगे की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, क्यों, आखिर क्यों ऐसा होता है। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे की तरफ फोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और ये एंगल हमारा कितना होता है, थीटा होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये थीटा, ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके मैंने दो कंपोनेंट तोड़े, एक तो हमारा क्या होगा बेटा, एफ यहां पे कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और यहां पे ये क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा, क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। तो हमको पता है कि एफ साइन थीटा इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, जो कि ऊपर लगेगा, ठीक है, बात समझना मेरी। तो एन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एफ साइन थीटा के, साथ साथ इसका वेट भी वर्क नीचे काम करेगा एन जी, ठीक है। तो एन एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, एन जी प्लस एफ साइन थीटा के। देखो नॉर्मल रिएक्शन कभी भी जो है एग्जैक्ट एन की वैल्यू एन जी के इक्विवेलेंट नहीं होती है, कभी एन जी प्लस साइन थीटा होगा, कभी माइनस साइन थीटा होगा। अभी माइनस वाला भी केस मैं बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है, फिलहाल आपको इतना पता चल गया कि ये प्लस होगा, क्लियर। अब एक बात बताइए मुझे, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो फोर्स कौन सा लेंगे, एफ साइन थीटा लेंगे, एफ कॉस थीटा लेंगे, ऑब्वियसली एफ कॉस थीटा लेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो यहां पे आपका हो गया एफ, यहां पे हो गया कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एस, दिस इज अवर वर्क डन। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कहीं आपको F cos थीटा into S लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब है कंफर्म है कि फोर्स का कंपोनेंट हमने क्या किया, रिजॉल्व किया है, ठीक है। और कभी कभी आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है F into S cos थीटा, ध्यान से सुन लीजिए इसको, ठीक है, ये दोनों फार्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट है। कहने का सेंस ये है कि S cos थीटा, ठीक है, S cos थीटा आपका यहां पे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है, यहां पे F cos थीटा किसका कंपोनेंट है, फोर्स का कंपोनेंट है। तो इस तरह से वर्क आपका डिफाइन होगा, दोनों मीनिंग अलग अलग है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कितना समझ में आ गया आपको। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं बेटा एफ एस कॉस थीटा, कैन बी राइट इट, यस ऑफ कोर्स, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, where theta is the angle between force and displacement, are you getting my point, theta is what, theta is the angle between force and displacement, understand kariye ki work ek aisi quantity hai, work ek scalar quantity, kaisi quantity hai, work ek scalar quantity hai। ab main scalar kyun keh raha hu, kyunki aapko pata hoga scalar, main isliye bol raha hu kyunki yahan pe f s ke beech mein kaun sa product hai, scalar product, scalar product ka matlab kya, कि अगर हम बात करें तो
वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. अगर दो वेक्टर के बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, देन दैट क्वांटिटी विल बी स्केलर. क्लियर? तो यहां पे वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होगा. बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, नेगेटिव कब होगा. बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी यहां पे आपको डिस्कस कर. देखिए, वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये फार्मूला आपके पास है, एफ कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू एस अभी आपने लिखा था, तो हम इसको एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन है, ये इक्वेशन स्टार बना. ठीक है, अब यहां पे केस नंबर फर्स्ट. चलिए, केस नंबर फर्स्ट में हम बात करते हैं थीटा को हम कितना ले रहे हैं. थीटा को हम यहां पे जीरो ले रहे हैं. कितना ले रहे हैं? जीरो डिग्री. मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? जीरो है. तो वर्क डन कितना मिलेगा? वर्क डन हमको मिलेगा एफ इंटू एस, एफ इंटू एस. दैट इज सिंपली एफ इंटू एस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने एफ एस लिख लिया. क्लियर? सो वर्क डन इन दिस केस इज मैक्सिमम. सो दैट्स व्हाई दिस इज द मैक्सिमम वर्क डन. अब मैक्सिमम वर्क डन मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे कॉस थीटा क्या हो गया? जीरो. और जीरो पे कॉस मैक्सिमम वैल्यू देता है, इसका मतलब है कॉस थीटा इज मैक्सिमम. सो दैट्स व्हाई वर्क इज आल्सो मैक्सिमम. क्लियर? एग्जांपल के लिए आपका यही है, एक ब्लॉक लीजिए, उसको क्या करिए, फोर्स लगाइए, आगे डिस्प्लेस होगा, फोर्स भी आगे लग रहा है, तो एंगल कितना बनेगा? जीरो लगेगा. कब? जब हम फोर्स ऐसा लगाएंगे. ठीक है, ऐसा फोर्स नहीं, समझ लीजिए इस चीज को. ठीक है, तो फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन दैट केस द वर्क डन विल बी पॉजिटिव. क्लियर? चलिए बात करते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहां पे वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन बाई एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी? जीरो. सो दैट्स व्हाई द वर्क डन विल आल्सो बी जीरो, क्योंकि यहां पे क्या होगा बेटा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो. ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा. अब अगर वर्क डन जीरो है तो कंफर्म है कि एंगल कितना होगा? 90 होगा. अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लेके कन्विंस करता हूं. सपोज दैट कि आपका ये क्या है, एक पेंडुलम है. ठीक है, अब पेंडुलम को डिस्प्लेस कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात. ठीक है, पेंडुलम को तुम डिस्प्लेस कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, बात समझना मेरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में? टेंशन के क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, मतलब सॉरी 90 डिग्री में होगा. जैसे इसको हम ऐसा कर रहे हैं तो डिस्प्लेस ऐसा करेंगे और टेंशन इधर आ रहा है, तो टेंशन और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा. सो दैट्स व्हाई द वर्क डन विल बी जीरो इन दिस केस. या एक और एग्जांपल कि द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वो क्या करेगी? घूम के फिर उसी पोजीशन पे आ जाएगी, तो इट मींस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. सो दैट्स व्हाई द वर्क डन विल आल्सो बी जीरो. या दूसरा केस मान लीजिए कि एक आपका क्या है, सपोज दैट कि एक कुली है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक क्या है, एक कुली है, तो कुली क्या करेगा? कुली आपका वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, मान लो कि एक पुली है, ये कुछ जो है अपने हेड पे लगेज दिए हुए है, तो इससे फोर्स किधर लगाएगा भाई? ये नीचे ना आए, इसके लिए फोर्स किधर लगाएगा? ऊपर लगाएगा. ठीक, कितना लगाएगा? एमजी लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्विवेलेंट फोर्स लगाएगा ना. इसके बाद वो पुली आगे चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? आगे की तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम इस आर्म से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90. सो दैट्स व्हाई द वर्क डन विल आल्सो बी जीरो इन दिस केस. क्लियर? तो इस तरह से वर्क डन आपको समझ में आ गया जीरो का वो. चलिए वर्क डन नेगेटिव की बात करते हैं, केस थर्ड. ठीक है, यहां पे सॉरी मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, केस थर्ड डिफाइन कर रहा हूं. केस थर्ड में थीटा को मैंने कितना लिया? 180. ठीक है, तो 180 पे क्या होगा? cos 180 बेटा होता है माइनस वन. cos 180 कितना होता है? माइनस वन होता है. सो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन विल बी माइनस एफ टाइम्स टी के इक्विवेलेंट. एफडी लिखो या एफएस लिखो, बात एक ही है. ठीक है, माइनस एफएस. क्लियर? डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, सिमिलर इज द मीनिंग हियर. तो अब वर्क डन नेगेटिव हो गया,
तो वर्कडन निगेटिव कब होगा? ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। जब ये बेटा क्या होगा, जब ये पुली आगे चलेगा, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जब ये पुली आगे चलेगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ द मोशन। जैसे सपोज दैट कि मैं क्या कर रहा हूं, एक सरफेस है, मैं यहाँ पे एक ब्लॉक को जस्ट फोर्स लगा रहा हूं, तो ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, तो ब्लॉक ये डिस्प्लेस करेगा आगे, मतलब इसका जो मोशन होगा वो आगे होगा, और इस पे फोर्स किधर लगेगी? फ्रिक्शन की फोर्स पीछे लगेगी। तो दोनों के बीच में यहां मैं समझा रहा हूं कि फोर्स आगे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, और इस पे जो फ्रिक्शन है, आप बताओ फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के करस्पॉन्डिंग तो वर्कडन पॉजिटिव होगा, लेकिन मोशन इधर होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, फोर्स पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, तो वर्कडन कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो इन केस ऑफ फ्रिक्शन द वर्कडन विल आल्सो बी निगेटिव। या एक और एग्जाम्पल, हम कॉइन को टास्क करते हैं, तो कॉइन टास्क करेंगे फिर नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्कडन कैसा होगा? निगेटिव होगा। So these are the examples through which we can understand that the work done will depends upon different angles. Clear? So this is the work done due to constant force. ठीक है? ये कैसा है? जो भी अभी तक आपने पढ़ा, वो क्या है? Work done due to constant force. अब हम क्या करते हैं? Work done due to variable force की study कर लेते हैं. ठीक है? Work done due to variable force. यहाँ मैं लिख रहा हूँ heading work done by variable force. क्लियर? इस वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। देखो, अगर हम ए से बी पे जाना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम ए से बी पे जाना चाहते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, यहां पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पे हम क्या करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है, तो इसको मैं डीएस ले लेता हूं, मान लो ये सी है, ये डी पॉइंट है, ये बहुत छोटा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क डन भी छोटा होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं, देखो हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स हमने लगाया और डिस्प्लेसमेंट हमने सी टू डी किया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? छोटा होगा। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल आल्सो बी स्मॉलर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू डीएस होगा, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू एस होता है, तो यहां पे डीएस होगा, यहां पे डीडब्ल्यू होगा, वर्क डन भी छोटा होगा। अब हमें ए टू बी जाना है बेटा, तो टोटल वर्क डन अगर हम छोटा छोटा जो है यहां पे क्या करें, फोर्स लगाएं, ध्यान से सुनना मेरी बात, फोर्स वेरी कर जाएगा अगर आप डायरेक्ट ए टू बी की बात करेंगे, ध्यान से सुन दीजिए, ठीक है, लेकिन छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ध्यान से सुनना कि फोर्स क्या होगा बेटा, यहां मैं लिख रहा हूं, फॉर स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट द फोर्स विल बी कांस्टेंट, ठीक है, ये होगा, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा फोर्स कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब इवन ट्रीट कर सकते हो, इवन ये सेटिस्फाई ये भी नहीं है, फिर भी ट्रीट कर सकते हो कि फोर्स हमारा कांस्टेंट होगा। हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन ए टू बी निकालना है, कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे किसको, डीडब्ल्यू को, इंटीग्रेट करेंगे किसको, एफ इंटू डीएस को, लिमिट जीरो से टोटल वर्क डन चाहिए, डब्ल्यू लगा दो, यहां पे लिमिट ए टू बी चाहिए, तो यहां पे ए टू बी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे W क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल ए टू बी एफ इंटू डी, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हमारा फार्मूला किसके लिए है, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। बात समझना मेरी, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं उसको भी समझिए, उसको भी समझने की कोशिश करिए। सपोज दैट हमने क्या किया, F को मैंने इस टर्म में लिखा, एफ एक्स आई क्या, और यहां पे ds को मैंने लिखा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड, ठीक है, कर दिया। तो एक बात बताओ, f इंटू ds निकाल देना, तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट a टू b
क्या लिख सकते हैं, f की वैल्यू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जे के कैप, क्लियर। और डॉट यहां पे लगा दीजिए, डॉट लगा के क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जे के कैप, क्लियर, ठीक, समझ रहे हो। अब हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं भाई बंधन, बंधन कितना होगा, इंटीग्रल ए टू बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ठीक है, ये हमारा वर्कडन हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से वर्कडन वेरिएबल फोर्स के थ्रू भी आप निकाल सकते हो, बात समझ में आ गई, आई थिंक ये आपको ये पूरा वर्कडन का जो बेसिक्स है वो क्लियर हो गया होगा। एक मैं रूल बताना चाहूंगा आपको कि बेटा ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को जो शिफ्टिंग करते हैं, इस फोर्स को मैं लेके इस फोर्स को यहां पे, ये फोर्स यहां लग रहा था ना, तो इसको फोर्स को यहां पे आगे बना दिया, इस फोर्स को यहां पे आगे जब शिफ्ट करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी रूल, ट्रांसमिसिबिलिटी रूल, मतलब है फोर्सेस को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द फोर्सेस जो रूल होता है, दैट रूल विल बी डिफाइंड एज ट्रांसमिसिबिलिटी रूल, मतलब है हर केस में ये अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। इस केस में बॉडी का रिजिड होना बहुत जरूरी है, अगर बॉडी फ्लेक्सिबल है ना, तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी रूल फिर खत्म हो जाएगी, मतलब ये नहीं वैलिड होगा। तो आई थिंक आज के लिए सफिशियंट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स वर्कडन से रिलेटेड देख लेंगे, और उसके बाद हम आपको वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो कंटेंट किया जाएगा वो हमारा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम एंड काइनेटिक एनर्जी एंड द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। सो आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।